रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर नगर परिषद के द्वारा बजूरी पंचायत के दुगनेड़ी गांव में बनाए गए कूड़ा सेंटर को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। बजूरी के बाशिंदों के द्वारा एनजीटी में शिकायत किए जाने पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से भी जवाब तलब किया है। हमीरपुर नगर परिषद के द्वारा बजूरी पंचायत के दुगनेड़ी गांव में बनाए गए कूड़ा सेंटर को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। बजूरी के बाशिंदों के द्वारा एनजीटी में शिकायत किए जाने पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से भी जवाब तलब किया है। इसी के चलते प्रदूषण बोर्ड शिमला से आई हुई टीम के साथ एडीसी रतन गौतम, एसडीएम चिरंजी लाल, ईओ केएल ठाकुर ने कूड़ा संयंत्र स्थल का दौरा कर सारी स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि दुगनेड़ी गांव में नगर परिषद हमीरपुर द्वारा लगाए गए कूड़ा संयंत्र का लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हर दिन शहर के 11 वार्डों का हजारों टन कूड़े को कूड़ा संयंत्र में फेंकने के साथ साथ जलाया जाता है, जिसका ग्रामीणों ने पिछले कुछ दिनों पहले कड़ा विरोध जताया था और जिला प्रशासन ने समस्या का हल नहीं हो पाने के चलते ग्रामीणों को एनजीटी का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिस पर अब एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करने की हिदायत दी है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा खुले में कूड़ा जलाने से गांव वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओ नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना, अब अधिकारी आए थे सर, अधिकारी की खबर हम छोड़ नहीं सकते ना, आप पता ही आपको। इसी मामले को लेकर गांव के बाशिंदों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जब मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है, फिर भी नगर परिषद ने यहां कूड़े से खाद बनाने की मशीन स्थापित की है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों की माने तो कूड़ा संयंत्र की वजह से स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है और यहां दिन रात बदबू होने से सांस लेने में दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं आवारा कुत्तों और चील कौओं की भरमार लगी रहती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर कूड़ा फेंकने से ये खड्ड हथली में पहुंचता है, जिसके कारण खड्ड में लगी पानी पीने की स्कीमें प्रभावित होती हैं, जिसमें बीमारियां फैलने का डर होता है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस कूड़ा संयंत्र को जल्द से जल्द वहां से उठाया जाए। एक्चुअल में सर, हमने एनजीटी में केस डाल दिया हुआ है, तो अब एनजीटी से इनको ऑर्डर्स हो गए हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड भी कर दिए हुए हैं, सभी को सेंड कर दिए हुए थे कि ये ऑर्डर्स निकले हैं एनजीटी से। तो अब इनको ये शिमला से आए हुए थे अपने इसके चेकिंग के लिए और एक अपने एसडीएम साहब थे, तो अब देखते हैं, ये तो हमें बोल रही हैं, अदरवाइज हमने तो नहीं हटना है पीछे, हमारा पूरा होगा और इसको उठाना ही है। हमारी हम लोग तो दुखी हो चुके हैं। आपको क्या बोला गया अभी? हम लोगों को बोला कि हम देखते हैं कि इसका जो भी है थोड़ी सुधार कर रहे हैं, लेकिन हमें सुधार से मतलब ही नहीं है, अब कोई नहीं, इसको उठाओ। इसीलिए हम, क्योंकि हमारे बच्चे भी तंग हो रहे हैं, हम भी तंग हो रहे हैं, 10-10, 20-20 कुत्ते हैं, कौओं की भरमार है, फोटो खींच के हमने रखी हुई है, सारे बंदरों की भरमार है, बंदर देख नीचे आगे पीछे कुत्ते घूम रहे हैं, रात को ये कुत्ते सारे गांव में चले जाते हैं, रात को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इनका देखते हैं, ये बोल रहे हैं हम सुधार कर रहे हैं, मशीन लगा दी है, ये ऐसा है, लेकिन हमें ये कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है, हमने इसको उठाना है। नीचे जो पानी में मिल रहा है उसका भी इन्होंने कोई ज़्यादा वो नहीं किया कि हाँ फिर दीवारें दे लो जी, ये कर लो वो कर लो, तो पानी में तो गंद जाएगा ही जाएगा, इधर से नहीं जाएगा उधर से चला जाएगा, तो भी जाएगा जाएगा, और इसके नीचे रिसाव तो होगा ही होगा जमीन में,
तो हमें नहीं ये चाहिए, मंजूरी नहीं, मंजूरी नहीं हमें मंजूरी। कितनी कचरा खुले चसा रहे हैं, चील कौए मुर्गे ने फंगा वगैरह जी सारे आते घास च इस पानी च फेंका दे, हमारी सजे हम जो घा कट्टा दे तो इस बीच भी पंखे हम जो मैसे जो भी बीमारियां लगा दी इसते इस बारे च पानी नीचे खड़ा च मिला सब दिन दस्य उ नीचे जाए ने प्रशासन भी अगर अगर हमने अब केस लगाया तब ये जाकर हलचल में आए हैं, तब इन्होंने ये किया, तो अब जो है तो हम यही चाहिए कि इसको यहाँ से उठाया जाए बस। और नाम क्या जी? मीना। जो स्थानीय लोग है इन्होंने माननीय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें एक इन्होंने पटिशन डाली हुई है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है इससे इन्हें कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके सिलसिले में माननीय प्राधिकरण ने जिला स्तर पर की कमेटी को ये कहा था कि वो मौका पर जाएं और मौका पर जाने के बाद अपनी रिपोर्ट, तो उसी संबंध में आज ये हमारी कमेटी यहाँ आई थी, हमने ये इसका एक्चुअल निरीक्षण कर लिया है और उसके बाद जो माननीय ट्रिब्यूनल को इसके अनुसार अवगत करवा दिया। बही अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्थानीय लोगों द्वारा दुगनेड़ी में स्थापित कूड़ा संयंत्र को उठाने के लिए याचिका दायर की है, जिसके चलते ही मौका स्थल पर टीम ने जायजा लिया है। जो स्थानीय लोग है इन्होंने माननीय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें एक इन्होंने पटिशन डाली हुई है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है इससे इन्हें कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके सिलसिले में माननीय प्राधिकरण ने जिला स्तर पर की कमेटी को ये कहा था कि वो मौका पर जाएं और मौका पर जाने के बाद अपनी रिपोर्ट, तो उसी संबंध में आज ये हमारी कमेटी यहाँ आई थी, हमने ये इसका एक्चुअल निरीक्षण कर लिया है और उसके बाद जो माननीय ट्रिब्यूनल को इसके अनुसार अवगत करवा दिया।